बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 4 हम आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये कहा गया है कि इन क्वेश्चंस को क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए से हल करना है। तो अपने प्रीवियस लेक्चर में एक बात हमने डिस्कस की थी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए से हम उस वक्त हल कर सकेंगे कि जब कोई क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ हो। अगर कोई क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ हो तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यूज निकालेंगे। अगर कोई क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ ना हो तो पहले हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यूज निकालेंगे और फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करके वेरिएबल की वैल्यूज निकालेंगे। तो आज क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 है, 3x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अब अपने क्वेश्चन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म को देखें तो क्वेश्चन इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम गिवन क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर ए बी सी की वैल्यूज निकालेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैथमेटिक्स के नॉर्मल रूल्स अप्लाई होंगे। लेकिन 3x इंटू एक्स माइनस 2, तो 3x को पहले x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, फिर 3x मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारा क्वेश्चन आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आया तो अब इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे जिससे ए बी सी की वैल्यूज निकलेगी। तो कंपेयरिंग थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब कंपेयर करेंगे तो ए इज इक्वल टू 3, देखें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ कंपेयर करें, एक्स के कोफिशिएंट को एक्स के कोफिशिएंट के साथ, और थर्ड कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करना है थर्ड कांस्टेंट टर्म यानी सी के साथ। तो बी इज इक्वल टू माइनस 6 एंड सी इज इक्वल टू 1, ए बी सी की वैल्यूज आ गई। अब इन वैल्यूज को पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए बी सी, putting values of a, b and c in quadratic formula, in quadratic formula. तो quadratic formula क्या है? previous lecture में भी हमने पढ़ा था कि quadratic formula है x is equal to minus b plus minus square root b square minus 4ac divided by 2a. तो इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमारे क्वेश्चन से जो ए बी सी की वैल्यूज आती है वो वैल्यूज पुट करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, बी इज इक्वल टू माइनस 6, तो बी की जगह माइनस 6 लगाए, माइनस इंटू माइनस 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी इज इक्वल टू माइनस 6 तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4ac, ए इज इक्वल टू 3 एंड सी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2a, तो a इज इक्वल टू 3, a की जगह वैल्यू लगाएं 3। तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस इनटू माइनस 6 प्लस 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि माइनस के ऊपर पावर अगर इवन फॉर्म में हो तो माइनस हमेशा प्लस में चेंज हो जाएगा एंड 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36। माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 6। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 36 माइनस 12, तो 36 माइनस 12 इज इक्वल टू
24 डिवाइडेड बाय 6। अब मैथमेटिकल रूल्स के मुताबिक यहां से आगे हम इसको मजीद इस फॉर्म में सिंप्लीफाई अभी नहीं कर सकते, तो हम अपनी दो पॉसिबिलिटीज की तरफ जाएंगे कि 6 और स्क्वायर रूट के दरमियान प्लस और माइनस दोनों का साइन है, तो हम इन दोनों साइंस को अलग करके दोनों पॉसिबिलिटीज की तरफ जाएंगे कि x की वैल्यू क्या आएगी। या एक और काम भी कर सकते हैं कि उन पॉसिबिलिटीज की तरफ जाने से पहले ये जो स्क्वायर रूट के अंदर 24 है इसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसका तरीकाकार ये है कि दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 24, तो हम 24 का कोई ऐसा फैक्टर निकालेंगे जो कंप्लीट स्क्वायर हो, 24 का कोई ऐसा फैक्टर निकालेंगे जो कंप्लीट स्क्वायर हो। तो इसके फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर हैं? एक फैक्टर इसका 1 है, 1 इज कंप्लीट स्क्वायर, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा इसका फैक्टर है 2, 2 इज नॉट ए कंप्लीट स्क्वायर, तो उससे भी फायदा नहीं होगा। तीसरा इसका फैक्टर है 3, बट 3 इज नॉट ऑल्सो ए कंप्लीट स्क्वायर, उससे भी फायदा नहीं होगा। फिर इसका एक फैक्टर है 4, 4 कंप्लीट स्क्वायर है। तो हम यहाँ पर 24 को 4 के मल्टीपल के बराबर लेंगे, तो ये आएगा 24 की जगह 4 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 6। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस, अब देखें ये स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट 4 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट के अंदर 4 मल्टीप्लाई बाय 6 हो रहा है, तो ये स्क्वायर रूट 4 और 6 दोनों पर है। जब दोनों पर अलग अलग स्क्वायर रूट लगाएंगे तो 4 स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा, 2 के बराबर हो जाएगा, तो ये आएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 6, 2 इंटू स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 6। हाँ, अब इसको सिंप्लीफाई करें कि x इज इक्वल टू 6 और 2, ये दो टर्म्स हैं, दोनों से हम 2 कॉमन लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 6, 6 और 2 ये आपस में कट जाएंगे और 6 की जगह रह जाएगा 3। तो नई फॉर्म हमारे पास आएगी कि x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ से आगे हम अपनी दो पॉसिबिलिटीज की तरफ जाएंगे कि एक पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी में दोनों टर्म्स के दरमियान प्लस का साइन लगाएंगे कि आइदर x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 3 और x इज इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 3। ये दो पॉसिबिलिटीज हैं, तो यहाँ से आगे अब मजीद हल करने की गुंजाइश मैथमेटिकल रूल्स में नहीं है। तो इसका एक आंसर आ गया 3 प्लस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 3 और दूसरा आ गया 3 माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 3। तो हियर द सॉल्यूशन शीट इज 3 प्लस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 3 एंड सेकंड वन इज 3 माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 3। तो ये इसके सॉल्यूशन शीट है और इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 एंड होता है।